लोहा पुरुष। मनुष्य के जीवित रहने के लिए लोहा इतना जरूरी क्यों है? इन वजनों और आप में क्या समानता है? मैं और ये लोहा, यह लोहे से बने हैं, पर मेरे अंदर कैसे हो सकता है? जी हाँ, लोहा हमारे खून में है। यह हीमोग्लोबिन का बेहद जरूरी हिस्सा है जो खून को लाल रंग देता है। लोहा जानवरों में भी पाया जाता है। एंटार्क्टिक में एक रूसी अभियान, इन मछलियों को देखो, इनका खून बेरंग और पारदर्शी है। ये इसलिए क्योंकि इनके खून में लोहा दूसरी मछलियों का दसवां हिस्सा है, यहाँ तक कि पौधों में भी। फ्रांस में 18वीं सदियों के बिल्कुल शुरुआत में ये निकोलस लेमरी जली हुई घास में क्या खोज रहा है? मैं लोहा ढूंढ रहा हूँ। जल्द ही ये साबित हुआ कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए लोहा बेहद जरूरी है, और मैं हर साल लोहे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, 5000 टन। जी हाँ, 1 टन 1000 किलो होता है। 5000 टन तो दुनिया के उत्पादन के बराबर है। यह कहानी सुनी? एक बार एक रसायन शास्त्र का छात्र, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपने खून से लोहे की अंगूठी बनाऊंगा। लेकिन अफसोस, वह लोहे की जरूरी मात्रा इकट्ठे किए बगैर ही एनीमिया से मर गया। एनीमिया को खून में लोहे की कमी को कहा जाता है। आज के जमाने में भी मनुष्य एनीमिक हो सकता है, लेकिन गोलियों से इसे सुलझाया जा सकता है। पर अगर ये 1783 होता, ये लोहे का मसाला खा लो। अच्छा है कि हम 2016 में हैं। मानव के शरीर में केवल 3 ग्राम का लोहा होता है, पर अगर ये न हो तो मृत्यु पक्की है। लोहा हमारे उत्तकों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसके औषधीय गुणों के कारण प्राचीन काल के आदिवासी लोहे को सोने से भी ज्यादा महत्व देते थे। देखो मेरा लोहे का बना हार। ये तो वाकई अमीर है। एक बार 18वीं सदी के अंग्रेज खोजकर्ता के जहाज पर, कैप्टन देखो हमें यह पूरा सुअर मिला है, एक जंग लगी कील के लिए। लोहा इंसान को पहली बार इस तरह मिला होगा। खबरदार, बचाइए उल्काओं से। ऐसी उल्काओं से निकाले गए लोहे को काम में लेना आसान था, और लोगों ने उससे पुराने जमाने के औजार बनाना सीखा। तुमने मेरी नई AK-47 देखी? जब लोहे की जरूरत बढ़ने लगी, धातु वैज्ञानिक काम में जुट गए और जमीन के गहराइयों से लोहा निकालने लगे। जल्द ही लोहे की बनी चीजों की गुणवत्ता को काफी अहमियत दी जाने लगी। सर जी, आपके लोहे की कमीज तैयार है, इसे पहनो मेरे प्यारे भाई और मुझे इसकी जांच करने दो। बहुत बढ़िया, 1778 में पहले लोहे का पुल बनाया गया। 10 साल बाद पहले लोहे की पानी की लाइन बिछाई गई, और 1818 में ये कैसे हुआ कि ये डूबी नहीं? यह तो चमत्कार है। 1889 में एक फ्रेंच इंजीनियर गुस्ताव एफल ने एक ढांचा बनाने की कोशिश की। यह कम से कम 25 साल खड़ा रहेगा। 125 साल बाद यह पेरिस की शान है। औद्योगिक क्रांति उन मशीनों पर आधारित थी जो लोहे से बनी गई थी, और आज भी यह हमारी मुख्य धातु बनी हुई है। मैं 5000 साल पुराना हूँ और अब भी मजबूत हूँ। तो अगली बार कोई आपको बताए कि रॉबर्ट डाउनी लोहा पुरुष है, कहो। और मैं भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, और बिस्बो हिंदी पेज को लाइक कीजिए, और अपने यूट्यूब चैनल बिस्बो हिंदी पे मुफ्त में सब्सक्राइब कीजिए।